क्या आपको पता है इस तरह के रूप कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है? इस तरह के रूप का मटेरियल क्या होता है? तो चलो जानते हैं ये रूप कैसे तैयार करती है। ये अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इसके लिए यहाँ रेड बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके सामने वाला बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। देखिए, ये कलर कोटेड वाले रूप की शीट होती है, वो रॉ मटेरियल होते हैं जिससे ये वाले रूप मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और इसको ज्वाइंट, ये देखिए किस तरह उस शीट को ज्वाइंट किया जाता है। चलो पूरी रूप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए, रूप की शीट को रोलर से पास किया जाता है, उससे वो अलग अलग रोलर से में पास करते ही वो रूप का शेप लेती है। ये देखिए, रोलर के बाद पहले प्लेन थी, और ये देखिए रोलर के बाद ये शीट बन गई। ये देखिए शीट बन रही है। इसके बाद रूप की राउंड बेंडिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके लिए उसी के बाजू में जो है, ये देखिए प्रोसेस किया जा रहा है और रूप को राउंड हो रहा है रूप अभी। ये देखिए मशीन से ये राउंड वाला रूप तैयार होके बाहर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये सिंगल पीस है। इस सिंगल पीस को ज्वाइन करके वो वाली रूप बनाई जाती है। ये देखिए इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है। ये देखिए इतनी लंबी है रूप, ये देखिए बहुत सारी रूप तैयार की है यहाँ पे। ज्वाइन किया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्रेन से उसको उठा के हमारे कंस्ट्रक्शन के साइड पे ऊपर रखते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन में फिक्स करते हैं। ये देखिए उसको लिफ्ट किया है, छोटे छोटे पीस को इस तरह लिफ्ट करके कंस्ट्रक्शन साइड पे इस तरह रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिक्स करते हैं। इस तरह रूप मैन्युफैक्चरिंग की जाती है।